हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धनेश हूँ और आप कृषक इंडिया कृषक भारत देख रहे हैं। दोस्तों, ठंड का मौसम आने वाला है और जैसे ही मौसम चेंज होता है, मुर्गियों में कई प्रकार की बीमारियां हमें देखने को मिलता है। खास करके जब ठंड आने वाला होता है तो मुर्गियों में सर्दी, खांसी, छिक छिक की आवाज़, ये सारी समस्याएँ देखने को मिलती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जब ठंड का मौसम आता है या जब भी मौसम परिवर्तन होता है तो टेट्रासाइक्लिन या लिक्सन को किस तरह से उपयोग में लाया जाता है उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी जानकारी आपसे ना छूटे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम मुर्गी पालन से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियो इस चैनल पे लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे ही मौसम चेंज होता है, जैसे कि अभी बरसात से ठंड का मौसम आने वाला है, तो इस समय हम अपने मुर्गियों को लिक्सन पाउडर दें या तो फिर टेट्रासाइक्लिन दें, चाहे हमारे मुर्गियों को कुछ बीमारी रहे या न रहे। क्योंकि जब मौसम चेंज होता है तो मुर्गियाँ स्ट्रेस में आती हैं, उनको ढलते टाइम लग जाता है और इस दौरान जब उन पे वायरस या बैक्टीरिया का अटैक होता है तो उससे वो बच नहीं पाती हैं और उनको बीमारी लग जाता है। तो इसलिए उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए, यानी कि उनका जो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए, कुछ हमें बाहर से मेडिसिन देना पड़ता है। साथियों, जब भी हम अपने सेट पे चूजा लाते हैं, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, 3 दिन तक लगातार उनको एंटीबायोटिक देते हैं। तो एंटीबायोटिक में टेट्रासाइक्लिन दे रहे हैं तो 3 ग्राम 2 लीटर पानी में घोल करके 100 चूजों को देना होता है, और लिक्सन दे रहे हैं तो 2 ग्राम लिक्सन पाउडर को 2 लीटर पानी में घोल करके 100 छोटे चूजों को देना होता है। ठंड का मौसम है करके इस डोज को ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि छोटे चूजों पर एंटीबायोटिक का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप उनको ज़्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक देंगे तो उनका ग्रोथ रुक जाता है और लीवर पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जितना कम हो सके उतना कम मात्रा में एंटीबायोटिक का उपयोग आप छोटे चूजों के लिए करें। दोस्तों, बड़े मुर्गियों के लिए मौसम परिवर्तन होने पर 3 ग्राम टेट्रासाइक्लिन या उसका उपयोग नहीं करते हैं तो 3 ग्राम लिक्सन पाउडर का उपयोग आपको 100 मुर्गियों के लिए करना है। अगर मुर्गियों में कुछ समस्या आपको देखने को मिल रही है, जैसे छिक छिक कर रहे हैं या सर्दी खांसी है, सुस्त है और सीआरडी का लक्षण वगैरह दिख रहा है, तो टेट्रासाइक्लिन को आप 4 ग्राम कर दीजिए और लिक्सन को भी 4 ग्राम कर दीजिए, और इतने 4 ग्राम लिक्सन या टेट्रासाइक्लिन को 3 लीटर पानी में घोल करके आप 100 मुर्गियों को दीजिए। साथियों, याद रखें, टेट्रासाइक्लिन या तो फिर लिक्सन, इन दोनों में से एक एंटीबायोटिक का आपको उपयोग करना है। ऐसा नहीं कि दोनों को मिला करके आप एक साथ मुर्गियों को दे दें, इससे उनको ज़्यादा एंटीबायोटिक का डोज हो जाएगा और वो बीमार पड़ जाएंगी। इसलिए दोनों में से एक ही एंटीबायोटिक का आपको उपयोग करना है। एंटीबायोटिक के साथ आपको विमराल 10 ml प्रति 100 मुर्गी के हिसाब से भी उसी पानी में, जिस पानी में एंटीबायोटिक मिला रहे हैं, विमराल को भी मिला करके देना है। इससे एंटीबायोटिक जल्दी से काम करेगा और मुर्गियों का इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, मुर्गियों में बीमारी कम आएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो, नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।